सुमेरा बाबा की लाश मिली और उस लाश पर से काकू को ये कपड़ा मिला। आप लोग जाइए यहाँ से, चलिए हटिए, जाइए यहाँ से, चलिए हटिए, चलो जाइए यहाँ से। मुझसे नाराज फिर भी मेरी रक्षा के लिए ऐन वक्त पर आप। जाबाज, ये सुमेधा के लोगों ने किस बात की सजा दी है तुम्हें? शायद उन्होंने मेरे प्यार की परीक्षा ली है। प्यार की परीक्षा? हाँ। तुम चलो मेरे साथ। हाँ, नौगढ़ चलो, मैं तुम्हें इन हत्यारों के बीच नहीं रहने दूंगा। तुम चलो मेरे साथ। हाँ, नहीं, ये मुमकिन नहीं। क्यों, क्या मैं जान सकता हूं? कुंवर, यहां आकर मैंने इनके दुख दर्द को जाना है, इनके बीच रहकर अपने आप को पहचाना है। सुमेधा के गरीब लाचार मुसीबत ज्यादा लोगों के बीच रहकर मैंने अपनी शख्सियत को महसूस किया है कुंवर। लेकिन बदले में इन लोगों ने तुम्हें क्या दिया जाबाज? नफरत? नफरत भी तो प्यार का एक पहलू है कुंवर। यानी कि ये लोग मुझसे ज्यादा तुम्हारे प्यार के हकदार हो गए, मुझसे ज्यादा करीब हो गए। कुंवर, आपकी दोस्ती तो मेरी सांसों का ताना बाना है, लेकिन इस वक्त मुझे अपने साथ चलने के लिए मजबूर मत कीजिए। ठीक है, मुझे मेरा जवाब मिल गया, लेकिन मेरे नाराज दोस्त, शरद पूर्णिमा के दिन आपको यहां आना है। आएंगे ना? हाँ, जहां तक तिलस्म तोड़ने और खजाना हासिल करने की बात है, मैं सुमेधा के नाशुकरे लोगों को एक सिक्का तक नहीं दूंगा जाबाज। लेकिन मैंने अगर तुमने इनके हक की बात की तो तुम्हारा जवाब मैं तलवार से दूंगा, क्योंकि इन लोगों ने तुम्हें मुझसे छीन लिया है। लेकिन आपको आना तो पड़ेगा कुंवर, कम से कम हाँ तो बोलते जाइए। किस लिए, किसके लिए? अब तुम मुझसे बहुत दूर चले गए हो, यही मेरा जवाब है, यही मेरा जवाब। कुंवर, तुम वहां से भाग गए। बद्रीनाथ, तुम भी भाग गए। सुना पंडित, शिवदत्त के नौरतन भाग गए। लाने थे तुम्हारी पुस्तली पर, धक्का है तुम्हारी अयारी पर। मैं पूछता हूं, तुमने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? तुम लोगों ने भागकर अपने नाम को ही नहीं बल्कि शिवदत्त के नाम को कलंकित किया, जिसे शिवदत्त को अब अपने जहर से धोना पड़ेगा। जल्दी बताओ।
आज आप किसी गहरी परेशानी में हैं, वरना मुझे बताए बिना अकेले आप कभी विश कक्ष में नहीं आते। क्या परेशानी है आपको? तारा, आज जिंदगी में पहली बार शिफ्तत की अय्यारों ने शिफ्तत के नाम को कलंकित किया। तुम अच्छी तरह जानती हो कि शिफ्तत को अपनी मान और इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी है। तारा, शिफ्तत को निखावत चाहिए, निखावत, क्योंकि इस मेघावत के सीने में सुमेधा के तिलिस्मी खजाने का राज दफन है। जब तक शिवदत्त इस खजाने को हासिल नहीं कर लेता, शिवदत्त चैन से नहीं बैठेगा। मुझे विश चाहिए, और विश नहीं। मैं आपको और विश नहीं लेने दूंगी, क्योंकि यह आपकी समस्या का इलाज नहीं है। मैं आपके दुख और परेशानी की भागीदार हूं। आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, मेरी आंखों में देखिए। आपकी हर समस्या का इलाज मेरे पास है। शिवदत्त की जिंदगी का यही अभिशाप है कि जब भी शिवदत्त का तन जागता है, उसी वक्त किसी की मौत हो जाती है, क्योंकि शिवदत्त एक विषपुरुष है। विषपुरुष तो क्या हुआ? आप इस पछतावे से निकल सकते हैं। देखिए ना, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। आप भूल रहे हैं कि आपकी तारा एक विश करने आए। फिर क्यों इस अभिशाप को सहते हैं? क्यों बार बार पछताते हैं? आप और हम एक भरपूर जिंदगी जी सकते हैं। तारा बाप की है, सारे पछतावों को भूल जाइए और तारा के साथ नई जिंदगी शुरू कीजिए। तारा, ओ तारा, महाराज शिवदत्त की जिंदगी में जब तक महारानी कलावती है, तब तक शिवदत्त की जिंदगी में कोई और औरत नहीं आ सकती। शिवदत्त को यह भी मंजूर नहीं कि जो शिवदत्त की मां साहेब के साथ भयानक दुर्घटना घटित हुई, वैसे ही किसी दुर्घटना का शिकार कलावती बने। इसलिए शिवदत्त के शरीर के साथ आज की तरह कभी फिर पेश नहीं आना। कुलनार जी, तुम वहां कक्ष के पास क्या कर रही थी? वहां तो कुछ भी नहीं है और न ही किसी को वहां जाने की इजाजत है। मैंने भी पहली बार देखा है और देखते ही दंग रह गई। ऐसा क्या उस कक्ष में जो तुम देखते ही दंग रह गई? वो कक्ष नहीं, जहरीले सांपों का डेरा है। आप उसे नाग कक्ष भी कह सकती हैं। नाग कक्ष, जहरीले सांपों का डेरा, ये तुम क्या कह रही हो? आप यकीन कीजिए, ये तो आप जानती ही होंगी
कि हमारे महाराज सांपों का जहर लेते हैं। वैसे तो उस कक्ष में कोई नहीं जा सकता। हाँ, वहाँ हमारे महाराज जा सकते हैं, या फिर तारा। तारा, सांप? और क्या जानती हो? ये तो आप जानती हैं कि तारा ताज पहनकर चुनारगढ़ की महारानी बनने के ख्वाब देख रही है, पर आज इससे भी कीमती राज गुलनार के पास है। क्या राज? जल्दी बताओ। ओ समझी, कीमती राज के लिए कीमती तोहफा। ये लो, अब बताओ राज क्या है? तारा एक विष कन्या है। आज उसने महाराज के साथ महारानी बनने की कोशिश शुरू कर दी है। आप देखना वो कितनी जल्दी चुनारगढ़ की महारानी बन जाती है। ओह, तो ये है वो कीमती राज। ठीक है, तुम जाओ। और हाँ, इसी तरह मुझे हर राज से आगाह करती रहना, तुम्हें उसकी कीमत मिल जाएगी। आज उसने महाराज के साथ महारानी बनने की कोशिश शुरू कर दी है। आप देखना वो कितनी जल्दी चुनारगढ़ की महारानी बन जाती है। ओह, तो ये है वो कीमती राज। ठीक है, तुम जाओ। और हाँ, इसी तरह मुझे हर राज से आगाह करती रहना, तुम्हें उसकी कीमत मिल जाएगी। आपने मुझे याद किया। अरे सभ्या, अच्छा हुआ तुम आई। हम बड़ी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। आज हमारी जिंदगी का बहुत अहम दिन है। आज आज हमारी शादी की सालगिरह है। शादी की सालगिरह? बहुत बहुत मुबारक हो ये दिन आपको। ये दिन आपकी जिंदगी में हजारों बार आए। इतनी बड़ी मुबारकबाद दी है तुमने सभ्या। यही वो शुभ दिन है जिस दिन हमें हमारे पति परमेश्वर मिले। पति पत्नी का तो जन्म जन्म का साथ होता है, और हमारे पति हमारे लिए देवता है। आप जैसी पत्नी हर पुरुष को मिले, मैं सबके लिए यही दुआएं मांगती हूँ। और तुम्हारी इस दुआ के लिए मैं तुमसे हर उस बात की माफी मांगती हूँ जो मुझसे या महाराज से हुई हो। रम्या के मौत के लिए भी महाराज के बदले में हम तुमसे माफी मांगते हैं। महाराज मेरे देवता हैं, मेरे पति हैं। सभ्या, सभ्या उन्हें माफ कर देना। आपका सुहाग अमर रहे, आप हमेशा सौभाग्यवती रहें। ऐसे नहीं, हंसकर कहो सभ्या, तुम्हें पता नहीं आज हमें तुम्हारी दुआओं की सख्त जरूरत है। हंसना सभ्या, हंसो, वरना हमें लगेगा तुमने हमें माफ नहीं किया। हाँ महारानी, हाँ। कितनी अच्छी है तू सभ्या, मेरी बहन। सबसे अच्छी तो आप है महारानी, इस दुनिया में सबसे अच्छी। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आज आप बार बार मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं। कितना अच्छा होता अगर हम तुम्हारे साथ कुछ और वक्त गुजार पाते। लेकिन पता नहीं महाराज किस वक्त आ जाए। इस मुबारक दिन महारानी मुझसे कुछ छुपा रही है, जरूर कोई बात है। जब ये विष पीकर हमारी मौत हो जाएगी तब महाराज भी वही तड़प महसूस करेंगे। जुदाई का वही एहसास होगा उनको भी जो सबसे अजीब से बिछड़ जाने का होता है। अकेलापन महसूस करेंगे वो हर दिन हर पल। तभी हमारी मुक्ति होगी। अब हम जीना नहीं चाहते। ये कैसा जुनून है महारानी,
आप विष पी रही थी, जानती हैं आपकी शिवदत्त ने कितना विष पिया है अपनी मां साहेब के लिए और आपके लिए। कुछ मत कहिए हमारे लिए, आपने हमारे प्यार का क्या सिला दिया है, आपने हमारी पूजा का कितना अपमान किया है, सिर्फ हमारा दिल जानता है अब हम इस जहरीले माहौल में जीना नहीं चाहते। तो कब की मर चुकी, आज नहीं तो कल सासों का हिसाब चुकता करते हुए मर जाएगी। हमारा मंदिर, हमारी पूजा, हमारी मूर्ति, सब कुछ आपकी। लेकिन अगर भगवान ही दिए बुझाने चले तो कोई क्या करे। लेकिन कला महाराज, पहले तो आपने रम्या की हत्या कर दी ये जानते हुए कि रम्या सभ्या की जुड़वा बहन थी। आप जानते हैं कि सभ्या को हम कितना चाहते हैं, फिर भी आपने उसकी मौत का फरमान जारी कर दिया। सभ्या मर गई होती महाराज, अगर उस दिन हमने विष पीकर उसे बचाया नहीं होता तो। महाराज, हमें तो आपका विष पुरुष होना भी मंजूर था, लेकिन आपके भीतर छिपा हो वो हत्यारा, वो जहरीला इंसान, उससे हम नफरत करते हैं महाराज, नफरत। कलावती, आप हमसे नफरत करते हैं, आज हम आपको सब कुछ बताएंगे। चलिए मां साहब के पास। मां साहब, लेकिन मां साहब तो हमारी शादी के पहले चल बसी थी। किसने कहा कि शिद्दत की मां मर गई, किसने? चलिए। देखिए आपको कौन मिलने आया है, आपकी बहुरानी कलावती आपको मिलने आई है। आओ बहू, मेरे पास आओ।